दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। बीत चुके 5 माह एक ही आपत्ति में फंसे 170 लोग। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में अधिकारी भर्ती का मामला। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS महाराष्ट्र समेत देश भर के ग्रामीण बैंकों में पद भर्ती करने का काम करती है। IBPS ने गत वर्ष पद भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर जनवरी 2019 में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के लिए 170 अधिकारियों का चयन किया। 5 महीने होने के बावजूद चयनित उम्मीदवारों की बैंक में अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। गत वर्ष जो उम्मीदवार रिजर्व लिस्ट में था उसके द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। आपत्ति उठाने वाले उम्मीदवार की जुलाई में कोर्ट में तारीख है, संभवतः उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र समेत देश के सभी राज्यों में ग्रामीण बैंक है। इन बैंकों का फोकस किसान पर होता है। सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाए जाने वाली योजनाओं का लाभ किसानों को देने की जिम्मेदारी इन बैंकों पर होती है। IBPS ने अगस्त 2018 में महाराष्ट्र समेत देश भर के ग्रामीण बैंकों के लिए पद भर्ती निकाली थी। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक MGB में प्रोबेशनरी ऑफिसर PO के 170 व क्लर्क के 175 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। अगस्त 2018 में प्री परीक्षा हुई और अक्टूबर में मुख्य परीक्षा हुई। परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का नवंबर 2018 में पर्सनल इंटरव्यू हुआ। IBPS ने 1 जनवरी 2019 को चयनित उम्मीदवारों का रिजल्ट जाहिर कर दिया। क्लर्क के लिए चयनित उम्मीदवारों को बैंक में नौकरी मिल गई है, लेकिन PO के लिए चयनित उम्मीदवार अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। IBPS या MGB की तरफ से पिछले 5 महीने से इन्हें कोई जवाब नहीं मिला। PO के लिए जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है उनमें नागपुर के 2 दर्जन से ज्यादा युवा शामिल है। चयनित युवाओं ने बताया कि सारी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नियुक्ति में विलम्ब गंभीर बात है। नागपुर के इन युवाओं का कहना है कि सवाल उठाने पर नियुक्ति के समय परेशानी होने का खतरा है, इसलिए हर उम्मीदवार चुपचाप बैठा है। चयनित युवाओं को नौकरी की सख्त जरूरत है। बताया जा रहा है कि जुलाई के बाद हो सकता है काम। PO के पद की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। 170 युवाओं का चयन हो चुका है। गत वर्ष जो उम्मीदवार रिजल्ट लिस्ट में था उसके द्वारा आपत्ति दर्ज कराने की सूचना है। इसी आपत्ति को ध्यान में रखकर IBPS ने जरूरी कदम उठाए हैं। बैंक ने IBPS को मेल भेजकर स्थिति स्पष्ट कर जरूरी दिशा निर्देश जारी करने की गुजारिश की है। जिस उम्मीदवार ने आपत्ति उठाई है उस मामले में जुलाई में कोर्ट में तारीख है। बैंक को उम्मीदवारों की जरूरत है और नियुक्ति शीघ्र हो इसलिए हम प्रयासरत है। जुलाई के बाद नियुक्ति हो सकती है इसकी आशंका जताई जा रही है। जुलाई की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से हमने सिंधी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।